मकड़ी अपने शिकार को कभी जिंदा नहीं खाती, वो पहले उसे अपने जाल में बुनती है और फिर उसके दम तोड़ने का इंतजार करती है, जिसमें कि लगभग 24 घंटे लग जाते हैं। इसका मतलब मम्मी और सारा को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ कुछ ही घंटे हैं। हम देख नहीं सकते ना सलमा, पर इतना यकीन से जरूर कह सकते हैं कि हमारे बुने हुए रेशम के जाले में तुम नहायत खूबसूरत लग रही होगी। शायरी के उस्ताद जी ने कहा था कि हमें मकड़ी जिनके दिल के बीचों बीच वार करना होगा, लेकिन हमें दिल दिख ही नहीं रहा तो हम वार कैसे करेंगे? उसके लिए हमें दूसरी मकड़ी जिनको सामने लाना होगा। फिर कैसे? घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? नहीं, नहीं, नहीं। घंटियों की आवाज सुनते ही फौरन आ जाती है, कितनी बेवकूफ हो तो। अभी तुम्हारे छुपे रहने में ही भलाई है। रोशनी, अपनी अम्मी को खुदा हाफिज कहने आई हो? अल्लाह नोज बेस्ट, मेरी अम्मी को छोड़ दो वरना। वरना वरना क्या कर लोगे तुम? एक काम करो, तुम माँ बेटी है ना, जी भर के बात कर लो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी के पास अब कुछ ही घंटे बचे हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अभी मैं आपको और सारा को कुछ नहीं होने दूंगी, और अल्लाह नोज बेस्ट, ये स्पाइडरमैन की बैग खाला को तो मैं ठिकाने लगा के रहूंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। क्या हुआ, आप कुछ बताना चाहती हैं? खिड़की, खिड़की पर कोई है, कुछ कुछ है, खिड़की के बाहर कुछ है क्या? अम्मी ये घंटियां, पर इन घंटियों का इस सबसे क्या कनेक्शन है? खान बाबा, मुझे पूरा यकीन है उन खंडियों का कनेक्शन है चंदन नाई के साथ।
आ गई। आवाज कहां से आई थी? ओ, इसका मतलब दूसरी मकड़ी जिन घंटियों की आवाज सुनकर सामने आती है। और उसको विजिबल रखने के लिए हमें घंटियों की आवाज लगातार करनी पड़ेगी, नहीं तो हम उस पर हमला कैसे कर पाएंगे? वो मुमकिन नहीं है रोशनी, क्योंकि चुनमुन दाई घंटियों की आवाज सुनते ही उसे अपने जाले से बुंद देती है और आवाज रोक देती है। तो अब क्या करें? डोंट टेल मी कि तुम्हें इस वक्त म्यूजिक सुनना है। आपके खर्राटे सुनने से तो बेहतर है। Excuse me, मैं खर्राटा नहीं लेता। आपकी मूंछें लेती होंगी फिर। Shut up, बंद करो इसे। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। तो आपका कहा गवर्नमेंट का कहा है जो टाला नहीं जा सकता। वैसे भी हमारे लिए इस वक्त बेहतर है कि हम रेडियो सुने। देखिए, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है, सिर्फ एक झपके लिए, और घर बहुत दूर है, तो रास्ते में नींद ना आए और मूड थोड़ा फ्रेश हो जाए तो अच्छा है ना। थोड़ा रेडियो सुन लेते हैं, क्या बुराई है इसमें? मुझे नहीं सुनना, क्योंकि मैं आरजे की बकबक नहीं सुन सकता। और आपकी गर्लफ्रेंड नताशा की बकबक? तो अब आप मानते हैं कि मैं आपसे ज्यादा स्मार्ट हूँ? ये बात किससे कर रही है? अपने लानती बॉस काले जिन से और किससे? ऐसे दुनिया के सारे बॉस इतने लानती क्यों होते? तुम ना, उन्होंने सिर्फ चुन को देखा है, बुन को नहीं। इनफैक्ट उन्हें तो पता भी नहीं है कि चुन के साथ बुन भी है। और अगर उन्हें पता चल भी गया और गलती से वो बुन को सामने ले भी आए तो उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो अपने आप को कितनी बड़ी मुसीबत में देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि इस घंटियों की आवाज नहीं आनी चाहिए जब तक कि तुम उस मकड़ी जिनको बांध नहीं लेते, समझ गए ना? चुनबुन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें आइडिया ही नहीं है कि चुनबुन के साथ कैसे डील करना है। और अगर उन्होंने पता लगा भी ली कि चुनबुन से कैसे पीछा छुड़ाना है, तो उन्हें ये नहीं पता कि उसके लिए उन्हें अरे कि लांधे रेडियो को भी अभी सारे नखरे दिखाने। लगता है नताशा को माइक्रोफोन मिल गया, या फिर माइक्रोफोन कहीं गिर गया है। Whatever. मैं जल्दी घर पे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ। हाँ रेहान, हमें पता चल चुका है कि वो चुनबुन अकेली नहीं है। अमन रोशनी ने उस मकड़ी जिन की जुड़वा को सामने लाने का तरीका भी ढूंढ लिया है। What? No, no, दादी, भाई को रोकिए।
अगर दूसरी जिन बाहर आ गई तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। क्या बात कर रहा है बेटा? वो बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक है, उसका छुपे रहना ही हमारे लिए बेहतर है। मैं और शारी हम दोनों उसे पकड़ने का तरीका ढूंढ रहे हैं, आप लोग बस। हेलो रेहान, मुझे पहले अमन और रोशनी को रोकना चाहिए। अरे अरे क्या कर? ये क्या है? अरे रोको इसे, अरे अरे रोको इसे, घंटी को रोको, अरे रोको कोई। अरे ये क्या हो रहा है? अरे रोको। बहुत हो गई लुका छुपी चुनबुन, अब अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। तो बहुत समझदार हो, पर इतने नहीं जो हमें हरा सको, क्योंकि हम अपने दुश्मनों से 10 कदम आगे रहते हैं। मेरा बुना जाला दुनिया का सबसे मजबूत जाला है, तुम दोनों मिलकर उसे तोड़ नहीं पाओगे। जुन का बुना हुआ जाला, उसमें शिकारी 24 घंटे तक जिंदा रहता है, पर मेरे जाले में तुम लोग 1 घंटे के अंदर दम तोड़ दोगे। और फिर हम दोनों तुम्हें खो जाएंगे। हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे, हम दोनों सबको खाएंगे, हम दोनों सबको हराएंगे। पर तुमने वो गाना सुना है, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया, सुना है? सुना है, सुना है, सुना है। इस भाले से हमें मारना चाह रहे थे ना? अब क्या करोगे? देखिए हमारी ताकत, ये शिकार चुनती है और मैं शिकार को अपने जाल में बुनती हूँ। हाँ, इसलिए हमारा नाम चुनपुन है। अब तुम सब 1 घंटे के अंदर अंदर
इस जाल में दम तोड़ दोगे। फिर तो हमारी दावत होगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।